दिमाग का अंधेरा अज्ञान है, और वहां न चंद्रमा पहुंचता है न सूर्य पहुंचता है, ऐसा है मामला। न चंद्रमा का प्रकाश जाता है न सूर्य का प्रकाश जाता है, वहां तो बस अंधेरा रहता है, अज्ञान का अंधेरा है। ये अंधेरा मिटे, प्रकाश आए, ज्ञान का प्रकाश आए, तो सत्य का दर्शन हो, अन्यथा नहीं हो। इसलिए अज्ञानी की अपनी कल्पना होती है, हम कुछ भी बात करें भगवान ने क्या फरमाया, और अज्ञानी अपनी कल्पनाओं की बात करेगा। एक बात समझ लो, ज्ञान अज्ञान की चर्चा में उर्दू की दो पंक्तियों के द्वारा, हम समझते थे, हम कुछ समझते थे, क्या समझते थे, हम समझते थे इल्म से कुछ जानेंगे, भाई कुछ पढ़ लें, कुछ जान लें, कुछ जान आ जाए, ज्ञान आ जाएगा। हम समझते थे इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कुछ नहीं जाना, जाना तो ये जाना कुछ, आज तो यही फिरते कुछ भी नहीं, आप पता चला ना, मैं तो कुछ आता ही नहीं। और जब तक ये ज्ञान नहीं हो तब तक पता मैं कितना जानता हूं, कितने शास्त्र आते हैं मुझे मालूम है आपको, मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, तब तक ये होता। और जब ज्ञान आ जाता है तो क्या कहता है, मैं तो ज्यादा जानता नहीं, थोड़ा बहुत भले देखा हो, भाई साहब आप जानते तो आप बता दो, मेरे को तो ज्ञान है नहीं। वह हमेशा विनम्र होकर रहेगा, और अज्ञानी हमेशा अकड़ में रहेगा, और यूं सोचता मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं कितना जानता हूं, उसके भीतर में ये भाव रहता है। ये जो अज्ञान है ये हमारी अपनी कल्पनाओं से पता नहीं क्या क्या बुन लेता है, ये ठीक है, ये ठीक है, कैसे है, इस तरह से तरह तरह की कल्पनाएं बुनता है, और वह अज्ञान उसके कारण से जीव संसार में भटकता है। बंधु भगवती सूत्र की चर्चा कर रहा हूं, भगवती सूत्र माया, एक नगरी थी उसका नाम ताम्रलिप्ति नगरी था, ताम्रलिप्ति नगरी उसका नाम था। उस ताम्रलिप्ति नगरी के अंदर तामली नाम का एक श्रेष्ठी रहता था, ये कोई नाम के साम्यता जोड़ी हुई नहीं है, संयोग है, ताम्रलिप्ति नाम नगरी का है, और जिस श्रेष्ठी की बात कहनी है उसका नाम तामली था, धनाढ्य था, आढ़े अपरी भूई शब्द आए उसके लिए, बड़ा धनी आदमी था, किसी से किसी बात में पराजित होने वाला नहीं था, धनी आदमी था। संसार में जितने सुख माने जाते हैं वो उसके पास थे। अब संसार के सुख तो यही है भाई, जैसे कहते पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पासो माया, तीजे घर सुशीला नारी, चौथे पुत्र आज्ञाकारी। बंधु यही संसार के सुख हैं, मकान हो, जमीन हो, जायदाद हो, सवारी हो अपने पास में, और आय का साधन पर्याप्त हो, यही संसार के साधन है। उसके पास सारे साधन थे, और उसने अपने जीवन के अंदर संसार की दृष्टि से सारे सुख पाए, उनका उपभोग किया खूब से, कहते मैं अपने तो जीवन में मौज रही, उसके जीवन में सारी बातों का सुख और आनंद रहा, सब कुछ रहा। एक बार विचारों की बात है, मन के चिंतन की बात है, उसके मन में पहले तो ये ख्याल आया, ताम्रलिप्ति में मेरे बराबर कोई है नहीं, लोग यूं ही कहते हैं भाई कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं, दूसरा सारे नगर में जो हैं हम हैं, कोई हमारी बराबरी नहीं कर सकता, पहले तो ये विचार आए, फिर विचार आगे बदले, और उस तामली श्रेष्ठी ने अपने से ये कहा स्वयं से, आज मेरी ये स्थिति है कि ताम्रलिप्ति में मेरे बराबर कोई नहीं,
ये जो मैंने सारा वैभव सुख ऐश्वर्य पाया, यह है किस कारण से पाया? और भी तो लोग हैं, ऐसे भी हैं जो झोंपड़ी में रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों प्राप्त हुआ? अब यहां एक बात कहूं, वस्तु का भाव एक चीज है और दुखी होना ये दूसरी चीज है। आप कहोगे इसमें क्या फर्क हो गया, अभाव है तो दुखी होंगे? कोई जरूरी नहीं दुखी होंगे। एक प्रसंग बता रहा हूं, एक गुरु और शिष्य थे, वे यात्रा पर थे, चले जा रहे थे, एक गांव में पहुंचे, कोई गांव में मंदिर नहीं था जहां ठहर जाते, धर्मशाला नहीं थी, कोई चौपाल भी नहीं थी। उन्होंने पूछा भाई कोई ठहरा लो, किसी ने ठहरने को जगह नहीं दी। आखिर में यूं करते एक झोंपड़ी सी थी, वो उसमें ठहर गई झोंपड़ी में, और जो कुछ था बिछाने ओढ़ने का वो उन्होंने अपना बिछा लिया, ओढ़ लिया। गुरु शिष्य दोनों लेटे हुए थे, झोंपड़ी ऐसी थी उसका जो घास था वो जगह जगह से निकल गया था, पशुओं ने खा ले आया, हवा में उड़ गया, इधर छेक सा था उधर छेक था ऐसा था, उसमें से आसमान दिखाई देता था, सितारे दिखाई देते थे। दोनों लेटे हुए गुरु शिष्य, शिष्य बोला गुरु जी मन में एक बात आ रही है, आपको कह दूं? हाँ भाई कहो, मन की बात क्यों रखो, कहो। बोले एक बात तो पता करो। बोले क्या पता करने भाई? बोले ये जो भगवान है ये हमारी तरफ है या इन गृहस्थों की तरफ है? भाई वो कैसे भाई, हम तो भगवान का भजन करते हैं, तो ये बात आई कैसे? बोले आई तो बड़ी सीधी सी है। बोले आप भी मैं भी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, हाल देख लो, ऐसी झोंपड़ी भी नहीं मिली जिसकी छत पूरी होती हो, देखो, और देखो लोगों को अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, सबके सब अपने सुख में सो रहे हैं, अपने घरों में सो रहे हैं, तो भगवान की कृपा तो उनके ऊपर, हमारे ऊपर तो है ही नहीं है। अगर ये भगवान हमारी तरफ होता, इसकी कृपा हमारे ऊपर होती, हमें कम से कम झोंपड़ी से वे छत तो सही मिल जाते, तो मुझे तो यूं लगता है हम कुछ गलत चल रहे हैं, भगवान की कृपा उनके ऊपर है। कहो भाइयों, चेले के मन क्या विचार आया, क्या भाव आया? बोले भगवान इनकी तरफ, हमारी तरफ नहीं है। गुरु हंसा, बोले गुरु जी क्या बात, मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं यार, आप तो हंस लिए। बोले भाई बात और थी, देखो जरा ऊपर, अगर ये छेद ना होते, ये सितारे, ये नीला नीला आसमान, ये चंद्रमा, ये अद्भुत ये नजारा देखने में ही नहीं आता। ये तो बेचारे सोए हैं अंधेरे में, गृहस्थी हैं, थके पड़े हैं, सोए हैं, सुबह उठते कोलू के बैल की तरह फिर चल देंगे, फिर रात हो जाएगी, फिर घरों में पड़ के सो लेंगे। इनको तो जिंदगी में ये नजारा भगवान का, ये महिमा, ये प्रकृति देखने को ही नहीं मिल सकते। हमारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, उसकी महिमा देखने को मिल रही है। मैं तो ये सोचता हूँ भगवान ने हमें बड़ा सुंदर अवसर दिया, ये हमारी तरफ उनकी तरफ नहीं है। सोच है ना, अपने अपने विचार है ना, वो सोच रहा हम तो दुख में पड़े, वो करने इससे बढ़िया मौका ही नहीं मिलेगा, ये तो बहुत बढ़िया नजारा मिला। अगर हम कहीं छत के नीचे सोए होते हमें ये सब देखने को कहाँ मिलता? अपनी अपनी सोच और अपने अपने विचार है बंधु। वह जो तामली सृष्टि था उसने कहा कि वो लोग झोंपड़ी वाले और हमें, आखिर मुझे ये कैसे प्राप्त हुआ? इस विचार चिंतन में उसके मन में आया ये जरूर मेरे पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। विचार है अपने अपने,
और भी विचार आ सकते थे, मेरे दान का फल है, ये भी विचार आ सकते थे, कोई आशीर्वाद है, पता नहीं आदमी क्या सोच ले, पर उसने ये सोचा यह मेरे पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। कहते भी हैं राजेश्वर ने तपेश्वर सो राजेश्वर, तपस्वी आगे राजा बनते हैं। मैंने आज ये इतना कुछ पाया है, मैंने जरूर तपस्या की होगी, पर आज इस जन्म के अंदर तो मैंने कुछ नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, कुछ नहीं किया, तो आगे जो जन्म होगा मेरा, कहीं ये ना हो कि मैं उन झोंपड़े वालों में जाके पैदा हो जाऊं। मैंने कुछ किया तो है नहीं, मैंने कोई तपस्या नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। अब जो मेरा शेष जीवन है, मुझे अपने उस जीवन के अंदर कुछ करना चाहिए, कोई तपस्या करनी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मेरा आगे का जन्म जो है वो सुखकारी हो। अगर कष्ट ना मानो, आपको कहूं ये बात सोची तो जा सकती है। मैं यूं नहीं कहता कि तपस्या वैभव पाने के लिए करो, पर ये तो सोची जा सकती है भाई आज जो कुछ आप हैं ये पूर्व पुण्यों का फल तो है ना, उत्तम शरीर मिला, उत्तम धर्म मिला, सारे साधन मिले, किस बात की कमी है। पर ये सोचा तो जा सकता है पूर्व जन्म में कुछ बो कर आए, कुछ करके आए, आज सब कुछ है आपके पास। यूं तो अगर कोई अपने बात से देवताओं से जोड़ के देखने लगे तो बात अलग है, वैसे तो संसार की दृष्टि से क्या कमी है, पर इसमें आप कभी कभी ये भी सोच लिया करो वे आगे के लिए कुछ कर लें, और ऐसा कर लें कि आगे संसार में ना भटकना पड़े, कुछ अच्छा हो जाए, और बड़ी बात तो यह है कल्याण हो जाए। तामली ने तो सोच लिया कि भी कुछ करना चाहिए। रात बीत गई, तामली सृष्टि के यूं सोचते में रात बीत गई, और सुबह होते होते तामली ने यह फैसला ले लिया अब मैं तपस्या करूंगा, अब मैं सन्यासी बनूंगा, अब मैं घर में नहीं रहूंगा। जैन धर्म से उसका कोई संबंध नहीं था, इसीलिए हम भी सोच कर प्रयोग करते हैं साधु बनूंगा न कह करके सन्यासी बनूंगा, ये शब्द वहां का ज्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ का शब्द अलग है तरह से, मैं सन्यासी बनूंगा। सुबह उसने परिवार इकट्ठा किया, मित्र प्यारे वो भी बुलवाए, और बुलवा कर कहा मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा, क्यों क्या बात हो गई, मैंने मेरे मन में आया मैं तो अब तपस्या करूंगा। वो तो जो जिसने कहना था समझाने के लिए, किसी ने कहा भाई बड़ी बात है, किसी ने कहा अरे यहीं कर ले जो कुछ करना, जिसके समझ जो आया उसने कहा, परंतु तामली सृष्टि पक्का निकला भाई मैं तो अब नहीं रहूंगा मैं जाऊंगा। उसने अपना सब कारोबार सारी बात जो था वह सौंप दिया अपने पुत्रों को, और फिर स्वयं उसने सन्यास ले लिया। उसने जो सन्यास लिया उसमें अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। अब जैसे वर्तमान की बात बताऊं, कोई नाथ परंपरा है, कोई पूरी परंपरा, ये सब संतों के वो परंपराएं हैं, जैनियों के हमें परंपराएं, सब साधुओं के अपने अपने परंपरा के अनुसार, कुछ के नाम सारे पूरी के ऊपर मिलेंगे और नाम के साथ पूरी जोड़ेंगे, किस के कोई अपने नाम के साथ कुछ जोड़ता है। उसने जो प्रवज्जा ली, उसने जो दीक्षा ली, सन्यास लिया, उस सन्यास का था प्रेरणामा प्रवज्जा, ये उसने लिया, प्रेरणामा प्रवज्जा, ये उसने प्रवज्जा यानी सन्यास इस नाम का लिया। प्रेरणामा क्या था, प्रेरणामा प्रवज्जा, प्रवज्जा साधु दीक्षा, और प्रेरणामा, प्रेरणामा प्रवज्जा का साधु हर किसी को हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, कोई आ जाए जय गृहस्थो चे साधु प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, ये उनकी नम्रता का सूचक है भाई मैं तो दुनिया में सबसे छोटा, अपने आप को छोटा मान करके चलना है तो निरंकारिता की बात, क्योंकि आदमी के मन में तो
संन्यास लेने के बाद, साधु बनने के बाद में और ज्यादा थोड़ा ही अहंकार आ जाता है। क्या समझते हो, साधुओं को समझते ही नहीं हो, फिर तो यूं भाव आ जाता है। परंतु उसके प्रवज्जा प्रणाम प्रवज्जा दियो, जो कोई समझ प्रणाम दिए प्रणाम दिए। एक दोहा है, लघुता में प्रभुता बसे, लघुता छोटापन छोटा, उसमें प्रभुता महानता बसती है। लघुता में प्रभुता बसे, प्रभुता से प्रभु दूर। और कोई अपने आप को बड़ा अहंकार में अपने आप को बड़ा मान के चल रहा है, उससे भगवान प्रभु दूर रहते हैं। प्रभुता, ये जो अहंकार है बड़प्पन है, प्रभुता से प्रभु दूर, इससे भगवान दूर रहते हैं। चीटी चीनी ले चली, रेत में चीनी का दाना पड़ा हुआ था, चीटी चीनी ले चली हाथी के सिर दूर। चीटी वो चीनी के दाने को पकड़ा लेगी, हाथी खड़ा था वो फूफू करता रहा, रेत उड़ाता रहा, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, वो नहीं दाना उठा सका।